हमारे संविधान में वेंडरों के लिए जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इसके बाद जब संविधान लागू हुआ, तो अंबेडकर जी ये बात जानते थे कि हमारे स्ट्रीट वेंडरों को कोई जगह नहीं मिलेगी, तो उन्होंने धारा 19(1)(g) जोड़ दी थी, जो लिवलीहुड का अधिकार है। उसी धारा 19(1)(g) के तहत एक नेशनल पॉलिसी बनी 2009 में, और वो नेशनल पॉलिसी ये बनी कि भाई वेंडरों का भी अधिकार होना चाहिए, इनका भी एक्ट होना चाहिए। हम लोग मंगलापुरी मंडी में दुकानें लगाते हैं, रेडी साग बेचते हैं, मेथी पालक सरसों वगैरह मंडी से लाते हैं, खरीद के दुकान पे लगा के बेचते हैं। एक ग्राहक को कोई आधा किलो लेता है, कोई किलो लेता है, इसी करके अपनी पूंजी इकट्ठी करके उसी दौरान में MCD वाले आते हैं, सबका सामान उठा के भाग जाते हैं। कभी आते कोई दादागिरी करने, कोई सब्जी लेके चला जाता है, कोई आधा 150 रुपये मांग लेता है। अब 150 उनको दे दे, यहाँ अपने बच्चे पाल ले। पूरी सब्जी अगर नहीं बिकती है तो हमारी पूंजी भी नहीं इकट्ठी होती है। उसी दौरान हम लोगों को अपना हक चाहिए। हक के बिना हम लोग पटरी पे बेचते हैं, लेकिन उसके अंदर भी MCD वाले आते हैं, कभी कोई आता है आके हम लोगों को परेशान करता है। तो हमें हमारा हक चाहिए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। महिला के लिए कोई सुरक्षित नहीं है वहाँ, और किराए में हम दुकान में इतना कहाँ से इतना कमा के दे देंगे कि MCD वाले पुलिस वाले आम आदमी इकट्ठा हो गया, हमें परेशान करने के लिए आता है, तो कहाँ से करेंगे। हफ्ते में 10 दिन में 5 दिन में कमेटी वाले आए रहते हैं, और जो गंडागरी करने वाले 150 रुपये मांगने वाले का तो रोज का काम है। उधर सामने सराय सोल है, जमादार लोग रहते हैं, दादागिरी दिखाने आ जाते हैं। हर दुकान से फ्रूट ले लिया, हर दुकान से सब्जियाँ, महंगी महंगी सब्जियाँ वहाँ रखते हैं। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत करते तो औरतों को लेडीजों को बदतमीजी बोलते हैं, तो कब तक हम लोग सहेंगे। इसीलिए हम यहाँ सरकार 2009 की पॉलिसी बनने के बाद संघर्ष होता रहा वेंडरों के ऊपर, MCD का पुलिस का डंडा चलता रहा, लेकिन धारा 19(1)(g) इनका संरक्षण करती रही। इसके बाद 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, और ये आदेश जारी किया कि किसी भी वेंडर्स को हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, ना परेशान किया जाएगा, जब तक उनको जो है रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ना मिल जाए, उनको वेंडिंग जोन ना बन जाए। यूनियन के द्वारा से लग रहे हैं रेडी, मगर छितिर बितिर हो गया रेडी वाले सबका। अभी भी कोई नहीं कि लग पाएंगे या ना लग पाएंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर 2-4 रेडी लगा रहे हैं, बहुत मजबूरी है। और पुलिस वाले कितने रेडी वाले से चुपचाप 500 रुपया महीना एक रेडी पर लेते हैं। अगर वो भी कोठी वाले को अगर मालूम हो जाए तो वहाँ से हटा देंगे, रेडी वाले को भगा देंगे वहाँ। तो पुलिस वाले तो लेते ही हैं 500 रुपया महीना हर रेडी वाले से, और वहाँ के जो आदिवासी है थोड़ा वो परेशान करते हैं, क्योंकि मेरे रेडी यूनियन वाले लगवा है, यूनियन वाले के सहारे से भी वहाँ पर जी रहे हैं, खड़े हैं। अगर ये नहीं रहते थे हमारी रेडी नहीं लगती, रेडी को पलटा देते थे, बहुत बेइज्जती हो जाती थी। अब रेडी लग रही है, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कि किस किस वक्त हटा देंगे, कोई गारंटी नहीं। तब तक उनको यथास्थिति बनाए रखी जाए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दूसरा अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय आदेश किया जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लोकसभा से 6 सितंबर 2013 को पास हो चुका था, लोकसभा से पास हो गया था। इधर 9 सितंबर 2013 को लोकसभा का तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। इसके बाद जस्ट जो है 20 फरवरी 2014 को जो है राज्यसभा से बिल पास हो जाता सर्वसम्मति से, और 5 मार्च 2014 को राष्ट्रपति जी के एक्ट पर साइन हो जाते हैं। उस एक्ट पर एक बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि आज़ादी के 65 साल के बाद इनको अधिकार मिला है वेंडरों को, लिखा है उसमें एक्ट में। अब आज़ादी के इतना तमाचा मारा है कि 65 साल के बाद संघर्ष करने में इनको अधिकार मिला है, अन्य जगह तो मिल चुका, इनको तो आज़ादी के 65 साल के बाद मिला, फिर भी आज क्या स्थिति है। आज MCD क्या है, एक्ट बना हुआ है, एक्ट में धारा 3(3) स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की जो धारा है, धारा 3(3), ये स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी वेंडर्स को टच न किया जाए जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए और उसका सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ना मिल जाए, उसका मतलब जो है उसको वेंडिंग जोन ना बन जाए। तब तक जो जहां बैठा है वो भी टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा सर्वे होगा। अब उस संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि MCD किसी वेंडर को टच करे, लेकिन जब संविधान में TVC को पावर दिया है तो MCD वाले क्यों अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। कामनी देवी मेरा नाम है, मेरा ढाबा है, मैं रोटी चावल दोनों रखता हूँ, खाना बनाते हैं। ये पुलिस वाले कभी आएगा तो कहेगा, धमकी देगा, ये सामान उठा लेंगे, वे उठा लेंगे। MCD वाला आएगा वो धमका के जाएगा, तुम सोचोगे जो हट जाए, नहीं हटूंगा। तो कह रहा जे ठीक है, नहीं हटोगे ना तो मैं उठा के ले जाऊँ। मैं कह ले जा भैया, सारे गाड़ी में भर ले, तू चले जा, मैं पटरी पर बैठा रहूँगा।
एकदा ले गया था उठा करके, दो तीन टेबल उठा करके, पतीला उतला उठा कर, तो 4,000 रुपया जुर्माना मांग रहा है MCD। मैं कहा 1 रुपया ना दूँ तू सारे रख ले, नहीं नहीं दिया सामान, कह रहा 4,000 रुपया देगी जब देंगे। मैं कहा 4,000 तुम्हारे देंगे तो 4,000 दे के तो किन लेंगे। महिलाओं के लिए कुछ सुविधा तो देनी चाहिए, उसमें मेरे पास 4 लड़की हैं, बताओ 4,000 रुपये कमरे का किराया लगता है, इतना सारा करके कहाँ पूरा हो सकता है, कितना आदमी कर सकता है बताओ। जाती तो रोज आती, रोज पुलिस कमेटी वाले आज भी आए और कल भी आए, 2 दिन से, तो ये उठा ले जाएगा, वो उठा ले जाएगा, कहीं फेंक देगा आगे, नहीं दूंगा, बट्टा ले जाएगा, तराजू उठा ले जाएगा, यही सब करता है। हाँ मेरे साथ हुआ है, हाँ सामान गिरा दिया है। मैं 3 साल से लगा रही हूँ, 3 साल से बराबर ही ऐसा हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, सारा सब्जी पड़ा ही रहा ऐसा। हमारे एक्ट में है, जब सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट का एक्ट मना कर, एक्ट से बड़ा तो कोई है नहीं, जब एक्ट मना कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है और फिर भी लोग हटा रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो राष्ट्रद्रोह हुआ। कानून को तोड़ना राष्ट्रद्रोह में आता है। तो मैंने पहले भी कहा था सिविक सेंटर पर कि अगर आप लोग नहीं मानते हो और इसको तोड़ते हो तो हम धारा 124A के तहत तुम्हारे खिलाफ हम IPC में जाएंगे और मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। भाई सिविल से क्या लेना देना, हमको अधिकार मिल चुका है ना संविधान में, सिविल में जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्या जाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है IPC में 124A के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और जब तक इनके पास दर्ज नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से आओ बताओ, जगह भी नहीं है कहीं लगाने के लिए, अगर जगह दे दे तो हम लोग कहाँ भी लगा सकते हैं, कमा के खा सकते हैं। मेरे पास 2 लड़की है, कोई व्यवस्था नहीं, आदमी का भी नौकरी उकरी नहीं है, वही ठेली से सब चीज़ करते हैं, बार बार ठेलिए उठा कर ले जाएगा, सामाने फेंक देगा, चूड़ी का सामान है चूड़ी तोड़ दे देता है, बहुत परेशान कर रखा है। 15 साल से दुकान लगता है लेकिन लगने नहीं दे रहा है। जब पैसा दे रहा था कमेटी वाला क्यों आ रहा है, जब पैसा ले रहा है तो कमेटी वाला क्यों आ रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, वो तो रुकना चाहिए ना पैसा लेने वाला के। मंगलापुरी मंडी में सब्जी लगाते, हरी सब्जी लगा रहे, हमें तो लगाते 25 साल हो गए। हाँ वहाँ बहुत परेशानी करते हैं, गुंडागर्जी करते हैं, चलान का काट ही लेते हैं वो, कभी 1,000 रुपये कभी 500, एक महीने के लग ही जाता, 1,000 रुपये ले ही लेते हैं। हाँ बहुत परेशानी है, उधर हमारा गुजारा करते हैं, करने नहीं देते हमें, बहुत परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि उस सदन के अंदर अब तक चुनाव हुए लगभग 1.5 साल हो चुके, टाउन बैंडिंग कमेटी का चुनाव हुए लगभग 1.5 साल हो चुके, इस 1.5 साल के अंदर सिर्फ 3 मीटिंगें हुई हैं, जबकि हमारे टाउन बैंडिंग कमेटी के जितने भी पूरे दिल्ली के प्रतिनिधि साथी और मेंबर हैं, जो टाउन बैंडिंग कमेटी के मेंबर बने चुन के आए, वो बराबर दिल्ली लेवल पर हर जोन के अंदर, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा कोई शायद जोन बचा हो जिसके अंदर हमारे सदस्य बार बार ये मांग ना उठाते हों कि हमारी मीटिंगें, हमारी बैठकें नियमित हों, बराबर हों, बैंडर के ऊपर चर्चा हो कि इन बैंडरों को, जो अव्यवस्थित बैंडर हैं, इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हम लोगों को बैंडरों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि इन बैंडरों को व्यवस्थित कैसे किया जाए। हमारी मुद्दे यह हैं कि जो भी पूरी दिल्ली के अंदर बैंडर्स हैं उनको कानून के अंदर 2014 में कानून आता है जिसके लिए बहुत प्रयासरत होना पड़ा, आपने जैसे पहले सुना होगा, सबसे बहुत प्रयासरत होने के बाद 2014 में एक एक्ट आया, 2014 एक्ट, बैंडर एक्ट। उसके बाद उसी मुद्दे पर लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और आज बैंडर सिर्फ ये मांग करते हैं कि हमारे बैंडरों को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए, हमें हमारा शोषण MCD द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार द्वारा, MCD में प्रतिनिधित्व कर रहे BJP के अवतार सिंह, स्थायी समिति जो भी MCD के अंदर हैं, वो सब जिम्मेदार हैं कि हमारे बैंडरों को व्यवस्थित नहीं होने दे रहे हैं, और इन सबकी, हम सबकी ये पीड़ा है कि हमारी आवाज़ को सुने और बैंडरों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसके अंदर TVC की बैठक प्रत्येक
सप्ताह कराई जाए या प्रत्येक महीना कराई जाए और उनकी मुख मांगों को शामिल किया जाए। हम जो मांग रखते हैं, ये दो तीन मीटिंगों में जो हमने मांग रखी है उसके अंदर एमसीडी ने तोड़ फोड़ कर पेश किया। और जब हमारे बैंडर भाई कुछ उच्च न्यायालय के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर वो लोग एफिडेविट फाइल कर देते हैं सरकारी बैंडर के विरुद्ध कि टीवीसी गठित है, जबकि सही बात यह है कि टीवीसी को अपना काम करने ही नहीं दिया जाता एमसीडी द्वारा हैं, और उनको बेवकूफ बना करके फिर घूम फिर करके जो हमारी हाई कोर्ट है वो डिसीजन दे देती है कि मैटर टू डिसाइड टीवीसी, जबकि टीवीसी को पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं दिया गया एमसीडी द्वारा, काम ही नहीं करने दिया जा रहा जब तक इनका सर्वे पूर्ण रूप से ना हो जाए और जिन लोगों को उजाड़ा गया है उनको दोबारा से पूर्ण बैठाया जाए। ये हमारी डिमांड है और यही हमारी मांग है पूरे ऑल दिल्ली के टाउन बैंडिंग कमेटी के सदस्यों की तरफ से। मैं ये मांग करता हूँ कि दिल्ली के अंदर से जितने भी बैंडर्स उजाड़े गए हैं उनको दोबारा उसी जगह पर बैठाया जाए। Thank you.